हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि जो मेलास्मा से रिलेटेड है, जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं और हार्मोन्स उनके बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, दैट में उसमें हम आज एक ऐसी थेरेपी में आपको बताने वाली हूँ, दैट इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। क्योंकि मैं MD इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हूँ, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि नेचुरोपैथी में वो जो थेरेपी है उसका यूज शायद आप में से कई लोगों ने किया भी होगा, वो बहुत ही फेमस थेरेपी है और उससे बहुत ज्यादा लोगों को असर भी होता है और इफेक्ट भी उसका नजर आता है। जो अगर आप में से ये थेरेपी किसी ने यूज की हुई तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ताकि और लोग भी इससे जो है उनको भी मोटिवेशन मिल सके। तो इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला और ये बहुत ही बेनिफिट देती है जिनको कि PCOD की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इररेगुलर है। तो ये सारी चीजें जो ये अफेक्ट करती हैं आपके मेलास्मा के ऊपर। तो मेलास्मा को अगर आपने कंट्रोल करना है, अगर आपने इसको कंट्रोल करना है, तो अंदर से इन चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि मेलास्मा मैं ऊपर से दवाइयां लगा के ठीक कर लूं और मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो आप भूल जाइए, आराम से अपने मेलास्मा के साथ जिंदगी बिताइए। ठीक है, तो अगर आपने उसको ठीक करना, तो आपको अपनी जड़ों को ठीक करना होगा, अंदर से रूट प्रॉब्लम्स को ठीक करना होगा। चाहे उसके लिए 3 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, बट वो क्योर होगी अगर आप उसमें पेशेंस रखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी से अगर आप कोई भी काम करते हो, तो पॉजिटिव एनर्जी से वर्क जो करते हो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से काम करोगे तो दिमाग उसी तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करेगा कि आपका जो काम उसमें बेनिफिट भी मिलने वाला है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें जो उसकी ऑरा है वो उसको उसी तरह से लेती है जिस तरह से आप सोचते हो। तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो जिसके बारे में बात कर रही हूं, जो हार्मोनल थेरेपी है, वो है सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग क्या है? सीड साइक्लिंग इस एक ऐसी है जिसमें कि हमने 4 टाइप्स के सीड लेने होते हैं। 4 टाइप्स के जो सीड्स हैं, उसमें 2 टाइप्स के सीड्स हैं जो हमने फर्स्ट फेज में लेने हैं और 2nd टाइप के जो सीड्स हैं वो हमने 2nd फेज में लेने हैं। अब ये फेज क्या होता है? फेज में आपको बता दूं कि जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, उसमें आपने जो वो फेस होता है, उसके 14 दिन तक जो फेस होता है वो होता है फॉलिकुलर फेस, ठीक है, जिसमें कि आपके जो है अंडा बनता है और जितनी भी तैयारी पीरियड्स आने की या बच्चा रुकेगा या नहीं रुकेगा, वो सब चीजें जो फर्टिलिटी से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें इन्हीं दिनों में तय होती हैं। तो फर्स्ट जो 14 डेज होते हैं उसमें हमने कौन से बीज लेने हैं, और सेकंड जो फेस होता है वो होता है लूटियल फेस, दैट इज 14 से लेके जो आपका जब दोबारा पीरियड्स आपको आएंगे तो उसका पीरियड से बिफोर 1 डे। पीरियड्स जिस तरह आप अगर सोच लेते हैं, अगर पीरियड हमारा 28 डेज का, 1 से 28 ले लेते हैं, 1 से 14 डेज तक आपने 2 टाइप्स के पर्टिकुलर सीड्स खाने हैं और 14 से 28 डे तक आपने वो वाले सीड्स खाने हैं जो मैं आपको बताऊंगी सेकंड फेज में। और अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो ज्यादा है, 30 डेज का है या 35 डेज का है, तब भी आप इसी तरह से खा सकते हो। अपने पीरियड्स को जो है आपने देखना है, ठीक है, किस दिन से स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है जो मीनोपॉजल है, जिनके पीरियड्स ही बंद हो चुके हैं, अब वो इसको किस तरह से खाएंगे? उन्होंने जो है फॉलो करना है मून को, जिस तरह जब फुल मून डे होगा तो आप उस दिन से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब हाफ मून होएगा तब आप उसको जो है नेक्स्ट जो सेकेंड फेज है आप शुरू कर सकते हैं। आप मून को फॉलो कर सकते हो, जिस तरह जिसको कह लो कि पूर्णिमा और अमावस्या को, तो वो जो एक साइकिल होता है वो भी एक कुदरत ने बनाया हुआ साइकिल है जो कि लेडीज के साथ पूरा मैच करता है, मून साइकिल। तो आप मून साइकिल के साथ उसको ले सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जो मीनोपॉजल वुमेन्स हैं। तो अब आ जाता है कि हमने सीड्स लेने कौन कौन से हैं।
और सीड्स यही वाले सीड्स क्यों लेने हैं? तो सीड्स जो लेने हैं वो हैं अलसी के सीड्स, ठीक है, पम्पकिन सीड्स जो फर्स्ट फेज में लेने हैं। सेकंड जो है वो है सनफ्लावर के सीड्स और सेसमे सीड्स जिसको कि तिल भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाले लेने हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हमने क्यों लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि जो अलसी और जो फर्स्ट फेज में लेने हैं पम्पकिन सीड्स, इनमें इस्ट्रोजन होता है, प्लांट्स का इस्ट्रोजन। और लिग्नन्स, लिग्नन्स एक ऐसा प्लांट कंपाउंड है जो कि इस्ट्रोजन को हेल्प करता है, ठीक है। और उसी तरह से जो सन सेकेंड फेज में हमने लेने हैं सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स, उनमें जो है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को जो है बैलेंस करता है, तो ये दोनों ही, और एंड्रोजन्स को बैलेंस करता है। तो ये जो तीनों ही हॉर्मोन्स हैं ये बहुत जरूरी होते हैं एक बॉडी को हेल्दी और बैलेंस रखने के लिए। और जितना भी शरीर ने काम करना है ये हॉर्मोन्स होने बहुत जरूरी है। तो इनको ये इस तरह से जो है सपोर्ट सिस्टम इनका बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लेंगे, और लेना कैसे है, आपने इसको लेना है 1 टेबल स्पून ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। जिनको भी प्रॉब्लम है पीसीओडी की, इनफर्टिलिटी की, या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो इससे पहले जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए थे पहली वाली वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो और साथ में आप ये वाली थेरेपी यूज कर सकते हो। बट ये थेरेपी उन्होंने यूज नहीं करनी है, वो उन्होंने ये सीड्स वाली थेरेपी यूज नहीं करनी है जिनको कि हॉर्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, या जिनके पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, उनको ऐसी गाइनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग इसको नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो आपने नहीं लेना है इसको, इस थेरेपी के। हाँ, आप वैसे इन सीड्स को जो है थोड़ा थोड़ा हाफ चम्मच एज ए डाइट्री सप्लीमेंट्स आपको इसको ले सकते हैं, मिक्स करके आप इसको थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। बट अगर आप इसको प्रॉपर जो वे मैं बता रही हूं इस थेरेपी का, सीड साइक्लिंग आप इसकी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इसको नहीं ले सकती हैं, और अगर आप ये लेते हुए अगर आपको इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम है, तो आप भगवान की जो कृपा हुई अगर, तो आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाएगी। और जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं या पीरियड्स बहुत कम आते हैं, उसकी वजह से उनको मेलास्मा जो है और पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, उनकी बढ़ती जा रही हैं, तो वो भी धीरे धीरे से ये ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने इसको 3 मंथ लेना ही लेना है। 3 मंथ से पहले आपको इसके रिजल्ट नहीं नजर आएंगे। कुछ लोग हैं जिनको 1 मंथ में रिजल्ट नजर आ जाते हैं, बट 3 मंथ्स में आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट नजर आएंगे। और उसके बाद आप इसमें फिर से ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने के बाद इसको फिर से आप इस थेरेपी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको अंदर से नरिश ही करेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसका रिव्यू जरूर दें। जो भी अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो 3 मंथ बाद इसी वीडियो पे आके मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला है। आई एम वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो लोग भी अपने जो है प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और रिपोर्ट सारी सही आ रही हैं, या जिनकी हेयर्स की प्रॉब्लम है, बाल टूटते हैं और बाल पतले होते जाते जा रहे हैं, तो ये लोग, ये वाली जो ट्रीटमेंट है ये वो भी लोग फॉलो इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा डोज आपने नहीं लेनी है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि आपने जब इसको लेना है, आपने फ्रेशली ग्राइंड करना है इसको, रोज की रोज ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करके आपने बीजों को नहीं रखना है, क्योंकि जब आप ग्राइंड करके रखते हो तो इसमें जो एसेंशियल ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो उनका जो नरिशमेंट जो उन्होंने आपको देनी है, वो नरिशमेंट और उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जब आपने इसको लेना है तभी आपने इसको ग्राइंड करना है। तो आपने कैसे लेना है, आपने 1 चम्मच जो लेना है अलसी सीड्स का, और 1 चम्मच ही आपने लेना है पम्पकिन सीड्स का। तो अगर आपने इसको खाना भी है तो चबा चबा के खाना है, क्योंकि हमारी जो गट है वो होल सीड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी,
या तो इसका मिक्सी में पाउडर बना लीजिए या फिर इसको इस तरह से चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से पानी, दूध, लस्सी जो भी आपने लेना है आप वो ले सकते हो। सेकंड फेज में भी आपने ऐसे ही करना है, 1 टेबल स्पून लेना है आपने और उसको भी आपने इसी तरह से मुंह में चबा कर खाना है या ग्राइंड करके, फ्रेशली ग्राइंड करना है, रोज ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके अगर आप बोलोगे कि मैं डब्बे में 4 दिनों का भी रख दूं तो वो आपको बेनिफिट नहीं देने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।